परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, शिक्षिका महोदया, हमारे प्रबंधन टीम के सभी सदस्यगण, दूर दराज से आए हुए बड़े बुजुर्ग एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम सिर्फ व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम एक महान समुदाय का हिस्सा है। यह अपनी तरह का सबसे बड़ा और महान समुदाय है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्वतंत्रता हम लोगों को मिली। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ के वीर साहसी और अपने कर्तव्य के प्रति बेहद ईमानदार हैं, जिसकी बदौलत हम लोग अपने घर में निश्चिंत होकर सोते हैं। आप लोगों का अब ज़्यादा समय न लेते हुए चंद्रलाइन प्रस्तुत करना चाहूँगा कि 15 अगस्त आज है, स्वतंत्रता दिवस आज है, हमें अपने देश के वीरों पर बहुत ही नाज है। जब अंग्रेजों ने स्वतंत्रता नहीं दी, तब हमारे देशभक्तों ने स्वतंत्रता छीन ली। असंख्य वीरों की बलिदानी से ये स्वतंत्रता हम लोगों ने पाई थी, इसको कायम रखेंगे हमेशा, यही कसमें हम लोगों ने खाई थी। उतना ही नहीं, हमारे यहाँ के वीर ऐसे हैं जो न पीछे जाते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा के उन्हें खदेड़ भगाते हैं। इस मातृभूमि से हम लोगों का एक अनोखा नाता है, हम सब दादान बच्चे हैं इनके, ये हम लोगों की माता है। यही वह देश है जिस पर हमें अभिमान इतना है, समझ पाए न कोई ये हमारा प्यार कितना है। भारत का प्यारा तिरंगा, इस पर मुझको है अभिमान, ऊंचा रखेंगे हरदम इसको जब तक तन में बचा है प्राण। हमारा देश ऐसा है जिसमें रहते सभी धर्म के लोग अपनी संस्कृति के हिसाब से लगाते 56 भोग। अब हम नहीं नए हैं, आपस में मिल गए हैं, बुरी नज़र वाले तेरी नियत समझ गए हैं। हमारे देश का कहना है अत्याचार न सहना है, क्योंकि ये देश है मेरा, मुझे यहीं पर रहना है, चाहे धमका ले कोई कितना, हमें नहीं अब डरना है, देश के लिए जो होगा अच्छा वही हमें अब करना है। इसी चंदवानी के साथ मैं ध्रुव झा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।